खून लेने गया है, अभी तक नहीं आया। हमको बहुत डर लग रहा है, अगर टुन्ने को आने में देरी हो गया तो। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम फोन कर दिए हैं, मुंगरी लाल जी का भी खून वो पॉजिटिव ही है तो वो आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा निमकी जी को। इतना टाइम हम दीदी से लड़ते रहे और अब जब मिलने का समय आया तो कहीं हमारी दीदी हमको छोड़ के तो नहीं चली जाएगी ना। ठीक हो जाएगा हम। दीदी को कुछ भी हुआ ना तो हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। दीदी तुम दीदी को बहुत तकलीफ दी हो। मोनू ऐसा नहीं कहते बेटा, किसी का कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ तेतर सिंह का है और उसे इसका सजा जरूर मिलेगा। छोड़ेंगे नहीं हम तेतर सिंह को। क्या हुआ है रिंकी जी को? हमको उठा दे जरा। छोड़ दो रेखा, रहने दो ऐसे। अरे उठा देना, बहुत कमर दुख रहा है। पीठ बहुत दुख रहा है। अरे हिया काहे खड़ा हो गया, उठा देना हमको, बहुत दर्द। थोड़ा सीधा बैठेंगे रे। तुमसे कहीं ज्यादा दर्द निमकी को हुआ होगा ना अम्मा? अरे अम्मा, अरे सोच ना, एक औरत के पेट में बच्चा है और उसको जानवर की तरह पीटा जाए तो कितना तकलीफ हुआ होगा। तुम कहना का चाह रहा रे? हम यहां तुम्हारा हाल चाल पूछने नहीं आए, बस एक बात बताने आए हैं। आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। का कह रहा है डबलवा? तुम तो किसी का मां नहीं हो सकते। ये तो हमने आज देख लिया डब्लू जी, ये तो देवर जी की माई भी नहीं है। हे, चुप रहा। अरे ठीक कह रही है रेखा, अनारो देवी। अनारो देवी तुम्हारा नाम ले रहे? सच बताएं तुम्हारा नाम लेने में भी घिन आ रहा है हमको। अरे कैसी औरत है रे तुम? यही औरत तुमको जन्म दी है रे, ये मत भूल। वही औरत हमको मारने का भी हुक्म दी थी। चाहती थी ना मारना हमको।
अरे उस दिन तुम्हारा ममता कहाँ मर गया था? हम तो वही दिन समझ गए थे कि तुम हमारी मां तो नहीं हो सकती। स्वीटी को भी तुम ही मारने को बोली थी ना, तुम उसकी मार भी नहीं हो सकते। अरे वो रोज जुलम सहती रही घर में, रोज उसका बलात्कार होता रहा और तुम फिर भी उस ऋतुराज का साथ दे, कैसी मां है रे तुम हैं? फिर से बेहोश हो गई हैं। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं बट आई एम सॉरी, पेशेंट का हालत बहुत ही क्रिटिकल है। मगर की को कुछ होगा तो नहीं ना? देखिए अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। और हमारा बच्चा? देखिए हमसे जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं, लेकिन ये हालत में कुछ बता पाना बहुत मुश्किल है। सुबह तक देखते हैं। मगर बच्चा और पेशेंट दोनों को बचा पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। खोलो निम्की, देखो हम हैं। उठो निम्की। आग खोलो निम्की। आग खोलो। हमरे हमरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हम बोल रहे सुन रही हो तो? पप्पू ये क्या कर रहे हैं आप? ये पेशेंट का हालत देख रहे हैं? अब बाहर चलिए प्लीज। बब्बू निम्की, बब्बू सिंह क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? निम्की जी का हालत देख रहे हैं ना? इनके पास ऐसा चिल्लाने का क्या मतलब है? आप चलिए बाहर चलिए। चलो बाबू। दीदी दीदी डॉक्टर बोल रही है हमारा बच्चा भी। दीदी इसको उठाओ ना। दीदी चलिए ना। दीदी चलिए बाबू। दीदी सब ठीक है ना? नहीं चाची, ठीक नहीं है। डॉक्टर बोली है कि निम्की या बच्चा दोनों में से किसी एक को ही बचा सकेंगे वो लोग। हमारी दीदी को बचा लीजिए, हमको बस दीदी चाहिए और कोई नहीं। हाँ बोलो, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हारी दीदी को।
अरे हम और स्वीटी तो पहले से ही सबर कर लिए थे, अगर सोचा है कम से कम ये बब्बू को तो प्यार करती है, उसको अपना बेटा मानती है, अगर आज पप्पू के साथ इतना बड़ा छल कर दी, अरे वो बेटा जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार करती थी उसके साथ इतना बड़का धोखा, और अपने आप को मां कहती है, अरे कैसे किस हक से? पप्पू के साथ हम धोखा किए हैं रे, कि वो धोखा किया है हम सबके साथ। अरे चुप! अरे मां तो कहा, तुम तो एक औरत भी नहीं है, बस एक पत्नी है, एक ऐसे घटिया इंसान की जिसका नाम सिर्फ तेतर सिंह से है। वो आदमी निमकी को मारते समय ये तक नहीं सोचा कि उसकी पेट में एक बच्चा है, अरे वो तो जानवर है, जानवर। मगर तुम अपने आप को मां कहती है ना, तो काहे नहीं रोकी उसको, क्या एहसास थी उसका? और वो ये आदमी तुम्हारा ये हाल कर दिया, फिर भी तुम उसका साथ दी। अरे मां तो दूर की बात है, तुम औरत कहलाने के लायक नहीं है, औरत जात पे ना कलंक है, कलंक। रेखा हमको यहां नहीं रहना है, ये घर नहीं है, ये शमशान है, सब मुर्दा है यहां। अपना तैयारी कर लो, अब हम ही शमशान में नहीं रहेंगे, और ये मुर्दा को पड़े रहने दो अकेली। एक और बात, अगर तुम्हारा पति मर जाता है तो हमारा फर्ज है उसकी चिता को अग्नि देना, मगर ये बात अच्छे से सुन लो कि हम उसकी चिता को अग्नि भी नहीं देंगे। और रेखा अगर हम इन दोनों से पहले मर गए ना तो हमारी चिता के आस पास भी मत आने देना इन दोनों को। पप्पू सब ठीक हो जाएगा, बोले हैं ना सब कोशिश कर रहे हैं। सब खत्म हो गया दीदी, कुछ ठीक नहीं होगा। कितना बदनसीब है दीदी, एक ही दिन में हम अपना पूरा परिवार खो दिए, अपना अम्मा को खो दिए, और अब आपका अपना पत्नी और अपना बच्चा को खोने वाले। अरे बर्बाद हो गए हम दीदी, इसे रोक के चिल्ला के कोनो फायदा है का? अरे भगवान पे भरोसा तो रखना होगा ना हमको, निमकी से सीखो, अब तक लड़ रही है।
अच्छा हम चाची और मोनू को घर पहुंचा के आते हैं। हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते हैं का? हमको दीदी के पास रहना है। नहीं मोनू, सब यहाँ रहकर क्या करेंगे? इससे अच्छा आप लोग समझा कर थोड़ा सा सो जाइए, फिर दिन में हम लोग भी थोड़ा आराम कर लेंगे, है ना? हाँ, ये सही है। तब तक हमारी दीदी का ख्याल रखिएगा ना। बाबू, तुम्हारा अपना परिवार छूट गया तो क्या हुआ? निमकी का परिवार तुम्हारा परिवार है, इन सब का ख्याल रखना है तुमने। दीदी, तुमको याद है तुम हमको बोला करती थी कि माँ बाप के पाप का सजा उसका बच्चा को भुगतना होता है। हम तो बहुत पाप किए हैं अपना जिंदगी में, तो क्या हमारे पाप का सजा भी हमारे बच्चा को भुगतना होगा? चलो का गोवर्धन बाबू, बाबू सिंह खत्म हो चुका है। अरे बहुत बेरहमी से मारा है अपनी पत्नी निमकी मुखिया और अपनी अम्मा को। पुलिस जो है ना उसको ढूंढ रही है, FIR दर्ज हो गया उसके खिलाफ। तो हम जो सुने हैं सही सुने हैं? बिल्कुल सही सरकार, बिल्कुल सही। मगर बब्बू सिंह ये काहे किया जी? लगता है कि अपना मानसिक संतुलन खो दिए हैं। पहली बार नहीं किए हैं, पहले भी बहुत बार लड़ाई झगड़ा किए हैं, हैं ससुर जी? हाँ, गोवर्धन बाबू आप पहले ये काम कीजिए कि चुनाव आयोग में उसका शिकायत कीजिए, मतलब उसका नॉमिनेशन ही रद्द करवाइए। चुनाव लड़ने के योग्य ही नहीं है। तेतर सिंह जी, अब आपकी धर्मपत्नी की तबीयत कैसी है? अरे का बताएं, सदमे में है गोवर्धन बाबू। बहुत प्यार करती थी ना बब्बू से, हम सब बहुत चाहते थे। सुनिए ना गोवर्धन बाबू, हम कह रहे थे ये सब बात आराम से ऑफिस में बैठ के करते हैं ना, पार्टी ऑफिस में। जी जी प्रणाम। ये हुआ ना बात, अब आपका रास्ता साफ है ससुर जी। सासू जी को सीढ़ी से धक्का दे देंगे ये नहीं सोचे थे हम। आपको कहते ना हम कि विधायकी के लिए हम कुछ भी कर सकते, कुछ भी। बबुआ की कोई खबर है? नहीं, ढूंढ रहा है पुलिस, देखते हैं। निमकी आप ध्यान रखिए, बेहोश है अभी, ठीक है, कहीं होश में आ गई तो हम लोग के खिलाफ बयान दे देगी। अरे देखिए, निमकिया का बचना मुश्किल ही लग रहा है हमको। साले साहब तो कहे बारा के भाव में।
हूँ।